नमस्कार दोस्तों, बबलू डेनी में स्वागत है। इस वीडियो में मैं इस प्लांट की ब्यूटी दिखाऊंगा, खूबसूरती दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत ही अपने ज़माने का रेयर प्लांट है और अभी भी है। बहुत लोग के पास नहीं भी हो सकता है, बहुत हाई कॉस्ट में चलता था शुरुआत में, अब भी मार्केट में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास तो है। तो जैसा इस प्लांट का नाम है ग्रेप चॉकलेट, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये प्योर डेयरी मिल्क का कलर है, चॉकलेट कलर का ये इसका पत्ती भी होता है और चॉकलेट कलर का इसका फूल भी होता है। और नहीं समझ में आता है तो आप गूगल पर ग्रेप चॉकलेट एडेनियम करके मारिएगा तो इसका फूल आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और बहुत लोग लाल रेड पत्ते वाले एडेनियम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसका वैरायटी का नाम है नील खान ऐसे करके कुछ नाम है। मैं नहीं रखा हूँ, मैं लाया था लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, तो जिसके तहत वो मैं नहीं रखा, उसको हटा दिया, ला के हटा दिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटी है, कितना अच्छा ये कलर है, कलरफुल, मतलब अगर फूल भी नहीं आते हैं तो इसका ब्यूटी देख सकते हैं दोस्तों। प्योर एकदम ब्लैक पत्ता जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट का कलर है दोस्तों, देख सकते हैं। ये जब नया पत्ता लेगा तो चॉकलेट की तरह दिखेगा पत्ते का कलर। और कहने का मतलब कि जब ये नया पत्ता लेगा तो चॉकलेट की तरह दिखेगा पत्ता। और फूल तो इसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, डबल पेटल में आता है। और मैं तो खैर बहुत महंगा ख़रीदा था, 2500 रुपये में ख़रीदा था एक प्लांट, छोटा सा प्लांट था। और वही प्लांट मैं अभी 10 साल के बाद ग्रो करके इतना बड़ा किया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एक प्लांट को इतना बड़ा ग्रो करने में कितना टाइम लगा होगा अगर आपके पास बड़ा प्लांट होगा तो। और कोडेक्स भी बहुत अच्छा मोटा है, बहुत ही मतलब शानदार कोडेक्स है। और ब्रांचेज भी देख सकते हैं दोस्तों, कितना घना ब्रांचेज है। तो इस तरह आपको भी प्लांट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, समय समय पर इसका प्रूनिंग कीजिए, समय समय पर इसको रिपोर्टिंग कीजिए, केयर कीजिए। यही केयर है दोस्तों, केयर का मतलब कुछ नहीं, केयर का मतलब ये नहीं बोला था कि आप उसको खाद दीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, पानी दीजिए या जो भी एक्स्ट्रा चीज़। मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देता हूँ, बस समय पर साल भर में एक बार कटिंग कर देता हूँ। अभी मैंने इसका कटिंग नहीं किया हूँ, 2-4 दिन में इसको मैं काट दूँगा, कम हाइट में कर दूँगा। और जो भी प्लांट है इसको मैं ग्राफ्ट कर लूँगा, भी ग्राफ्टिंग या गोल जो भी। तो फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा ब्यूटी है। और ये वैरायटी का नाम है ग्रेप चॉकलेट। इसको और भी थोड़ा सा बेहतरीन दिखा रहा हूँ लुक, कुछ प्लांट आगे है उसको खींच कर। बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, और इसको इतना छोटा ना समझिए दोस्तों, मैं अपना स्केल लेके आता हूँ तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये कितना अच्छा प्लांट है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आता हूँ स्केल लेके दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में स्केल है, और इसका आप कोडेक्स की मोटाई देखिएगा, तो कोडेक्स की मोटाई भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल तरीका से मैं रख दिया, ज़्यादा इसके अंदर भी है जो मैंने अगर रिपोर्टिंग में नहीं किया हूँ बाद में कर लूँगा मेरे पास ग्राफ्टिंग के। तो देख दोस्तों देख सकते हैं कि एक लगभग 5.5 इंच और कोडेक्स मिट्टी से बाहर निकलेगा तो लगभग 6 इंच 7 इंच भी हो सकता है। तो इतना ये मोटाई है, 10 साल में इतना मोटा हुआ है लगभग। और ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी हाइट देख सकते हैं दोस्तों, केवल अगर मैं नीचे से लेता हूँ तो ये तो अभी कोडेक्स से मतलब है बहुत ही कम है, मतलब ही ऊपर ग्राफ्टिंग है देखते हैं, ये इतना बड़ा तो केवल कोडेक्स ही हो गया। और ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा स्केल इसके ग्राफ्टिंग से डूब जाएगा फिर भी ऊपर चला गया। तो दोस्तों कुल मिला के आपको 12x24 यानी कि 25 इंच लगभग ये हाइट है लगभग। तो कितना है ना शानदार, कितना शानदार है प्लांट, ये ऐसा प्लांट मैं रखा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं सभी का हाइट 25 इंच से कम नहीं होगा लगभग। तो इतना बड़ा रखना नहीं, जब तो मैं घना करने का टेक्निक इसको बता दिया हूँ, अभी सभी लोगों को प्रूनिंग करके हाइट कम कर सकते हैं तो और भी अच्छा लुक हो जाएगा अगली बार से। तो बस यही बताना था, ग्रेप चॉकलेट बहुत अच्छा वैरायटी है, गूगल पर सर्च मार के फोटो इसका देख सकते हैं, डेयरी मिल्क का कलर है। ऐसे भी डिस्प्ले पर मैं दे दूँगा इसका स्क्रीन पर या थंबनेल में।
तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।